हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को कैसे दूध से स्वादिष्ट पेड़े बना सकते हैं हम घर पे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दी है और इसमें मैं अब ले रही हूँ 3 टेबलस्पून शुगर, और शुगर को मैं हीट कर लूँगी। और हीट करने से क्या होता है कि ये शुगर गल जाता है और फिर इसका कलर भी चेंज हो जाता है। यह शुगर को मैं थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक ही मैं हीट कर लूँगी और उसके बाद मैं गैस को बंद कर लूँगी। अब मैं इसमें 500 ml का दूध डाल दूँगी और फिर इसे मैं यहाँ पर बॉईल करूँगी। दूध को हमें स्टर करते हुए बॉईल करना है और इसे आधा करना होगा हमको, मतलब ये 500 ml का दूध है तो इसे हाफ, मतलब 250 ml का हम होने तक हम बॉईल कर लेंगे। अब मैं इसमें 100 ग्राम खोया या फिर मावा, जो भी आप लोग कहते हैं, इसे मैं यहाँ तोड़ के डाल दूँगी दूध में और फिर अच्छे से मिक्स करते हुए, स्टर करते हुए इसे बॉईल कर लूँगी। ये मावा जो है कभी कभी ये सख्त होता है तो इसे हम स्पैटुला के मदद से थोड़ा ब्रेक भी करना पड़ता है, जिससे कि कोई लम्स ना फॉर्म हो जाए। मुझे मीठा कुछ कम लगा तो मैंने थोड़ी सी और शुगर ऐड कर दी इसमें। तो आप मीठा आपके पसंद के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ थिक हो गई है, तो ये कुछ हलवा जैसे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इतना ही थिक हमें करना है इसे। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे मैं अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये मिक्सचर अब ठंडा हो गई है और इसे मैं एक स्टील के प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर इस अब मुझे इस मिक्सचर से पेड़े बनाने हैं। अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपने हाथों में लेकर मैं इसे शेप दूँगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, जितना बड़ा करना है उतना ही आप ले सकते हो और ऐसे गोल गोल करके अपने हाथों में शेप कर लेना है। तो ये देखिए कितना आसान है ना पेड़े बनाना दूध से। तो आप भी अपने घर पे कोई मेहमान आए हो तो कोई त्यौहार हो तो आप बना सकते हैं ऐसे करके। और इसमें मैं आप लास्ट फिनिशिंग टच दूंगी, वो है इसके बीच में मैं किशमिश रख दूंगी, तो इसे दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरे इस वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।